हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग फोटोशॉप 7.0 से कुछ इस प्रकार की एडिटिंग कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि यदि आपको पता है कि फोटोशॉप 7.0 में हमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन मिलते हैं जिससे हम खास एडिटिंग तो नहीं कर पाते, तो बट मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अच्छी एडिटिंग आराम से कर पाओगे 7.0 में वो भी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, ओके। एंड भाई के चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार हम लोग ऐसे ही कंटेंट डालते रहते हैं। अगर आप लोग प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना फोटोशॉप ओपन कर लो एंड यहाँ से एक फ़ोटो का इंपोर्ट कर लो, जहाँ से जो भी आपको फ़ोटो में एडिटिंग करनी है। जैसे कि मैं एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसे बड़ा कर लेता हूँ। सिंपली से कंट्रोल प्लस से आप जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे एंड कंट्रोल माइनस से जूम आउट करोगे। आपको ये जो लेयर का पैनल दिख रहा है इसको पकड़ना है, जो फोटो आएगी एंड इसे पर ड्रैग कर देना, या फिर आप कंट्रोल प्लस जे भी कर सकते हो। सो इतना करने के बाद देखिए, आप वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको जो वह तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे आप, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ से इमेज में एंड मोड में जाना है। देन यहाँ से आपको लैब कलर सेलेक्ट करना है एंड डोंट फ्लैटन करना है। इतना करने के बाद आपको जो चैनल का पैनल दिख रहा है, तीन पैनल आपको दिख रहे हैं, पाथ, लेयर, चैनल। ओके, तो आपको बीच वाला जो चैनल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, जो ए लिखा दिख रहा है आपके जो फोटोशॉप होगा उसमें भी यही आएगा। तो आप सिंपली से एक बार क्लिक कर देना यहाँ पास एंड कंट्रोल प्लस ए करना। तो कंट्रोल प्लस ए जैसे करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कंट्रोल प्लस सी करना है। देन यहाँ से जो बी वाला है, ठीक है, कंट्रोल प्लस तीन लिखा जिसमें, तो आपको बी वाले में कंट्रोल प्लस वी कर देना है, वी। ओके, कंट्रोल प्लस वी कर जैसे ही करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। देन ऊपर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो कलर ग्रेडिंग होगी हो गई होगी। बट अभी आप लोग वीडियो छोड़ कर मत जाना, क्योंकि देखिए जैसे मैंने फ़ोटो दिखाया था आपको उस तरह से ये नहीं हुई है। तो एकदम सेम टू सेम करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ओके, तो ये अभी मज़ेदार कलर नहीं लग रहा है इसके जैसी एडिटिंग के लिए। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा और आगे तक देख लो। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ से जो लेयर है इसे सेलेक्ट रहने देना है, कंट्रोल प्लस डी करना है, जिससे लेयर डी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इमेज में जाना है, मोड में। देन यहाँ से फिर से आपको आरजीबी कलर पे सेलेक्ट कर देना है एंड डोंट फ्लैटन कर देना है, ठीक है। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ से फिर जाना है सेलेक्ट टू कलर में, आपको यहाँ से लेना है कर्व्स। कर्व्स में पकड़ना है यार, आपको ये शैडो है इसको पकड़ना है, नीचे का हैंडल। ओके, इस तरह पकड़ना है। देन आपको जो बीच वाला है इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लाना, क्योंकि बीच में जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इतना करने के बाद आप इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद ये डन कर देना है। देन यहाँ से आपको फिर से सेलेक्ट टू कलर लेना है एंड यहाँ से आपको लेना है लेवल्स। लेवल्स में आपको ये जो तीन हैंडल दिख रहे हैं, तो आपको बीच वाले को पकड़ के इस साइड करना है। ओके, कुछ इस प्रकार से। एंड ये जो इसे है थोड़ा सा इस साइड को आप लोग देख लेना करके, अगर अच्छा लग रहा हो तो करना। ओके, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है इसको भी थोड़ा सा इस तरह करना है एंड ये वाला है तो इसको भी हल्का सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इतना हो गया है, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपको फिर से सेलेक्ट टू कलर में जाना है। देन यहाँ से आपको लेना है ह्यू सेचुरेशन, कलर सेलेक्ट करना है पिकर से एंड इसको सेचुरेशन को बढ़ा देना है। ओके, कुछ इस प्रकार से। सो आप देख सकते हो, सो इस तरह से आपको बढ़ा देना है। देन यहाँ से ओके कर देना है। सो अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से कलर ग्रेडिंग आ रहा है, ठीक है। अभी वीडियो को आप लोग यहाँ तक देखते चलो, हम करते जाएंगे इसकी आएंगे की ग्रेडिंग। सो गाइस, इतना करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। सो जैसे ही आप इतना दबाओगे तो आपके सामने एक न्यू लेयर बन जाएगी। तो आपको सिंपली फिल्टर में जाना है एंड ऐसे टोपाज लैब से में। देखिए ये टोपाज लैब क्या है, ये गाइस एक प्लगइन है जो कि फोटो एडिटिंग में काम आता है। अगर आपके पास ये टोपाज लैब्स है तो ठीक है, नहीं है तो देखिए मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि यूट्यूब स्ट्राइक मार देता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब करोगे तो आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेना। सो ये जो आप टोपाज लैब्स में आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो टोपाज एडजस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सो इतना करने के बाद आपको ये जो एच डी आर कलेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एंड डायनेमिक पॉप लेना है। ओके, जो डायनेमिक पॉप दिख रहा है, देन आपको ये जो एक्सपोजर दिख रहा है अडॉप्टिव एक्सपोजर, इसको आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। सो मैं इतना रख लेता हूँ। देन यहाँ से इसे ओके कर देना है। सो अब आप लोग देखना ये डिटेलिंग कैसी आ गई है। सो अब आप लोग देख सकते हो। देन इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से लेना है, आपको फिर से कर्व से लेना है
कर्व्स में है तो आपको बीच वाले हैंडल पकड़ के इस तरह से उठा देना, इससे क्या थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा आ जाएगी अच्छी और कलर भी अच्छे से दिखने लगेंगे। ओके कुछ इस प्रकार से शेडो को हम बढ़ा लेते हैं इतना। ओके अभी आप लोग देख सकते हो कि कुछ ऐसी कलर ग्रेडिंग हो रही है। ओके सो अगर आपको तो ये और भी गाढ़ा चाहिए जैसे मैंने किया है इसमें, तो आप सिंपली से सैचुरेशन को इसको बढ़ा देना, ये कलर हो जाएगा। ओके देन आपको इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई करना है। ओके इतना करने के बाद न्यू लेयर बन जाएगी, आपको फिल्टर पे जाना है, देन यहाँ से आपको अदर पे जाना है, हाई पास लेना है। हाई पास में आपको करना क्या है कि हाई पास आप इतना एडजस्ट कर लेना जैसे मैंने रखा हो, उसके बाद आपको यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाना है एंड ओवर ले लेना है। और इससे होगा क्या कि ये फोटो में थोड़ा डिटेल डाल देता है, जैसे कि आप NSB पिक्चर में देखते होगे तो उनका चैनल तो डिलीट हो चुका है, बट कोई नहीं हो जाता है उसमें, अब वो सिखा रहे हैं एडिटिंग। ओके तो ये देख सकते हो कि डिटेलिंग इससे आती है। सो आप लोग देख सकते हो कि फ़ोटो हमारा कैसा हो रहा है। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके इसी तरह की एडिटिंग की वीडियोस देखने के लिए, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।